शिनचैन का पहले वाला घर ऐसा और आपका लेटेस्ट घर ऐसा क्यों दिखता है? डोरेमोन के सबसे पहले सीजन को ही सबसे बेकार सीजन क्यों बोला जाता है? ऑगी एंड द कॉकरोचेस के पहले सीजन में ऐसा क्या ही हुआ जो सभी इसके तारीफों के पुल बांध रहे थे? और वो ऐसा कौन सा एनिमे था जिसका लाइव एक्शन ड्रामा बनाया गया था? तो ऐसे ही हमारे कुछ फेवरेट एनिमे और कार्टून के एवोल्यूशन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले वीडियो पे 1000 लाइक्स का एम है, तो पूरा कर दो एम। और क्या चाहिए? शिनचैन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिग्मा शिनचैन से। शिनचैन पहली बार 1992 में लॉन्च हुआ था, वो भी ठीक हर्षद मेहता स्कैम के 10 दिन पहले, यानी कि 13 अप्रैल को। 1992 के सीजन 1 में शिनचैन कुछ ऐसा क्यूट सा दिखता था, एनिमेशन स्टाइल भी काफी अलग था और इसकी एज भी आज के शिनचैन के हिसाब से काफी कम लगती थी, पर फिर भी शिनचैन की मस्ती में कोई कमी नहीं थी। इसी टाइम से शिनचैन की हरकतें पीक पर थी, चाहे अपना छोटा हाथी दिखाना हो या फिर बमचिक बम बम करना, शिनचैन कहीं पीछे नहीं हटता था। अगले 6-7 सालों तक इसी सेम एनिमेशन स्टाइल को यूज किया गया, फिर अराउंड 2000 के समय इसको आज के दिखने वाले शिनचैन के जैसा थोड़ा बनाया गया, जो कि 2005 तक कुछ ऐसा दिखने लगा था। और इसी ट्रांजिशन के बीच में कई एपिसोड्स में शिनचैन का घर भी बदल गया, जहां उसका पुराना घर कुछ ऐसा फ्लैट जैसा था, वहीं नया वाला घर टिपिकल जैपनीज हाउस जैसा दिखने लगा था। और शिनचैन की अब तक 30 से भी ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि हर मूवी में कुछ ना कुछ एनिमेशन डेवलपमेंट होता है। और फिर 2 अगस्त 2023 को जापान में ही शिनचैन की फर्स्ट एवर 3D मूवी भी रिलीज हुई, जो कि बाद में इंडिया में भी आ गई, जिसका एनिमेशन और क्वालिटी काफी अच्छी है। वैसे इसको शिरोगुमी आईएनसी ने ही प्रोड्यूस किया था, जिन्होंने ही डोरेमोन की इन दो 3D मूवीज को प्रोड्यूस किया था। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या है? क्या आप स्कूल छोड़कर जा रही है? निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी का एवोल्यूशन बाकी एनिमे और कार्टून से काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे निंजा हथौड़ी दादाजी का सबसे पहला एनिमे नहीं बल्कि एक टीवी ड्रामा बनाया गया था। इसे 1966 में जापान में ही लॉन्च किया गया था, मतलब कि अब से पूरे 58 साल पहले। अब समझ में आ ही गया होगा कि मैंने दादाजी क्यों बोला। वेल, उस समय मांगा का लाइव एक्शन अडेप्टेशन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आज आप इस शो को देखोगे तो लगेगा जैसे इस हथौड़ी को डार्क वेब के लिए बनाया गया था। कितना क्रीपी लग रहा है देखने में भाई। इस मास्क को रात को देखकर किसी भी बच्चे की सूसू निकल जाएगी। इस टीवी ड्रामा की टोटल 2 सीजन्स बनाए गए थे, जिसके हर सीजन में 26 एपिसोड्स थे। अब मेकर्स को अपनी गलती एहसास होने के बाद फाइनली 1981 में निंजा हथौड़ी के एनिमे को बनाया गया था, जिसकी उस समय के हिसाब से काफी डिसेंट एनिमेशन क्वालिटी थी। इसको देखकर आपको पक्का नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आने वाली है। आप ऐसे क्यों बैठी है? कोई परेशानी है क्या? क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खा रही है बेटा, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ देखो वहाँ बेकरी है, जाकर खरीद लो आंटी। तो इस वाले एनिमे के टोटल 5 सीजन्स बनाए गए थे, जिसमें लगभग 700 एपिसोड्स थे और ये काफी लंबे समय तक चला था, लगभग 1987 तक, जिसमें समय समय पर स्टोरी से लेके एनिमेशन में भी काफी इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे। ये उस वक्त तक तो जापान में भी काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इसकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी खत्म होने लगी थी, जिसकी वजह से ही इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। बट जब अराउंड 2007 एंड 2008 के समय डोरेमोन शिनचैन जैसे जापानी शोज का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तब से ही ये शो इंडिया में भी पॉपुलर होना शुरू हो गया। इसके पुराने 700 एपिसोड्स हम इंडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आए, जिसकी वजह से 2013 में रिलायंस मीडिया वर्क्स ने TVSI एंड शिनाई एनिमेशन के साथ मिलकर इसके न्यू सीजन्स को लॉन्च किया, जिसमें एनिमेशन क्वालिटी को भी काफी टॉप नॉच कर दिया गया था। साथ ही इंडिया में प्रोड्यूस होने के कारण अब इसमें कई इंडियन एलिमेंट्स को भी ऐड किया गया था, जिससे कि इंडियन ऑडियंस ने और भी पसंद किया, जैसे कि ये ताजमहल वाला सीन। ऑगी एंड द कॉकरोचेस। हमारे इस बागड़ बिल्ले की शुरुआत 1998 से हुई थी, जिसमें उस समय के हिसाब से काफी अच्छे एनिमेशन का यूज किया गया था, और आपने भी काफी सारे एपिसोड्स इसी एनिमेशन में देखे होंगे। फिर 2000 में इसके एनिमेशन को तो इम्प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी को काफी इम्प्रूव किया गया था। और फिर 2008 में इसकी पॉपुलैरिटी और बजट बढ़ने के बाद इसके एनिमेशन को भी काफी अच्छा कर दिया गया था। और गाइज, ऐसे ही ठीक 2011 और 12 में इसके एनिमेशन कलर और सीन्स को एकदम जबरदस्त बना दिया गया था। लेकिन फिर 2016 में एनिमेटर्स ने ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का
यूज किया जो कि ऑडियंस को इतना खास पसंद नहीं आया। और बिल्कुल ऐसे ही 2017 वाला एनिमेशन भी लोगों को प्लेन सा लगा था, लेकिन फिर 2018 में जो एनिमेटर्स एनिमेशन लेके आए उसको व्यूअर्स ने काफी पसंद किया। और 2022 में हमारे बागड़ बिल्ले की मूवी में 3D एनिमेशन का यूज किया गया था जो देखने में काफी कमाल तो थी पर उसमें वो ओल्ड ऑगी वाली वाइब नहीं थी। डोरेमोन का सबसे पहला एपिसोड 1973 में आया था जिसे आप में से शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा क्योंकि इसे कभी इंडिया में ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया, पर इसका आर्ट स्टाइल काफी पुराना और अलग था और इसमें तो कैरेक्टर्स को पहचानना भी काफी मुश्किल था और साथ ही इसे डोरेमोन की सबसे वर्स्ट सीरीज भी कही जाती है। साथ ही इसमें काफी क्रीपी एपिसोड्स भी थे और शायद इसी की वजह से ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। पर फिर 6 सालों बाद 1979 में इसके एनिमेशन और स्टोरी लाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसे वापस लाया गया जो कि कहीं ना कहीं उस वक्त के लिए काफी डिसेंट सीरीज थी। और भाई इसके कुछ एपिसोड्स आपने इंडिया में भी देखे होंगे। फिर 1984 में इसकी एक मूवी आई थी बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई थी, पर हाँ जब इसकी रीमेक मूवी को बनाया गया था तो वो इंडिया में रिलीज हुई थी। फिर अराउंड 1990s तक डोरेमोन के एनिमेशन को काफी अच्छा इम्प्रूव कर दिया गया था क्योंकि तब तक डोरेमोन बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन चुका था और इसी दौरान डोरेमोन की काफी सारी मूवीज को भी रिलीज किया गया था जिसको जापानीज ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया। फिर 2005 से लेकर 2007 तक इसके एनिमेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया गया, लाइक लिटरली कैरेक्टर्स को और ज्यादा ग्लो दिया गया, उनको थोड़ा बफी टाइप बनाया गया जो कि आज भी देखने में काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। और अगर आप इनकी न्यूली रिलीज मूवीज को भी देखोगे या फिर एपिसोड्स को ही देखोगे तो भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी पिक्चर क्वालिटी कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, कैरेक्टर डिजाइन भी कितने ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं एंड भाई ब्यूटीफुल सीनरीज एंड म्यूजिक का तो पूछो ही मत। और हाल ही में तो डोरेमोन की काफी सारी 3D मूवीज को भी रिलीज किया गया है जिनकी भी प्रोडक्शन काफी टॉप नॉच है। टॉम एंड जेरी। जितनी जल्दी नवाज भाई का चांटा एवोल्यूशन हुआ सेम ऐसा ही हाल टॉम एंड जेरी का हुआ। टॉम एंड जेरी की शुरुआत 1940 से हुई और यहाँ से लेकर 2021 तक तकरीबन इसमें 11 बार चेंजेस हो चुके हैं और ना सिर्फ इसका एनिमेशन बल्कि इसके डायरेक्टर और मीडिया हाउस भी कई बार चेंज हो चुके हैं। जैसे 1940 में इसे हैना एंड बर्बेरा नाम का एक स्टूडियो एनिमेट और डायरेक्ट करता था और इसमें उन्होंने बिल्कुल टॉम एंड जेरी को कॉमिक बुक वाला लुक दिया था। लेकिन इसी एनिमेशन के थ्रू MGM ने इसके 114 एनिमेटेड शॉर्ट्स निकाले जिसने उस वक्त 7 एकेडमी अवार्ड्स भी जीते थे। अब 1961 में MGM ने इसके फ्रेंचाइजी को फिर से रिवाइव किया तो इस बार उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हेड जीन डिच को बनाया जिसके बाद ही हमें ब्लू कलर का क्लासिक टॉम देखने को मिला था। और भाई जो इसमें सबसे बड़ा चेंज किया गया था वो था टॉम के मालिक को ही चेंज करना, जहां मैमी टू शूज, हाँ वही काली मोटी बुढ़िया जो पहले टॉम की ओनर थी, उसको अब चेंज करके अब टॉम का नया मालिक क्लिंट को बनाया गया था। अब दो बार टॉम को इम्प्रूव करने के बाद इसे तीसरी बार इम्प्रूव किया जाता है अंडर चक जोन्स। इसमें टॉम को इम्प्रूव करते हुए फिर से उसके कलर को ब्लू से ग्रे कर दिया जाता है, साथ ही उसके कानों को शार्प और पूंछ को लंबा कर दिया जाता है। वहीं हमारे जेरी को बड़े बड़े कान और क्यूट फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इम्प्रूव किया जाता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आज तक जो हम टॉम एंड जेरी का एक क्लासिक म्यूजिक टेस्ट सुनते आए हैं उसको भी पहली बार इसी टॉम एंड जेरी में बनाया गया था। अब आता है 1975 का दौर जहां टॉम एंड जेरी का एक और नया फेज स्टार्ट होता है जिसमें हैना एंड बारबेरा के अंडर द टॉम एंड जेरी शो को लॉन्च किया जाता है। अब इसके एनिमेशन में हमें कोई खास इम्प्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अब जेरी को पहली बार एक रेड बो टाई पहनाई जाती है क्योंकि 1975 के समय की अमेरिका की गवर्नमेंट ने वॉयलेंस इन किड्स टेलीविजन पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे और जिसकी ही वजह से इस वाले टॉम एंड जेरी में बहुत ही कम वॉयलेंस देखने को मिला था। एंड इवन जो आप कभी कभी टॉम एंड जेरी की यारी दोस्ती ना वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। बट इन दोनों की ये यारी और जेरी की टाई 1980s तक ही चली क्योंकि इसके बाद फिर से फिल्मेशन स्टूडियोज के अंदर हमें वैसे ही टॉम एंड जेरी देखने को मिले जैसे वो पहले थे।
और फिर 1990 में टॉम एंड जेरी का अगला फेस आता है जब टॉम एंड जेरी किड्स लॉन्च किया जाता है। दरअसल 90s के दशक में अमेरिका में पॉपुलर कार्टून्स के बेबीफिकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, इसीलिए टॉम एंड जेरी के स्टूडियो ने भी उसका ये किड वाला वर्जन बनाया था। इसमें फिर से हमारे जेरी को एक बो टाई पहनाई जाती है और वहीं पर टॉम को एक लाल कलर का टोपा पहना दिया जाता है। इसी वाले टॉम एंड जेरी में स्पाइक के बेटे टाइक एंड ड्रूपी के बेटे ड्रिपल को भी पहली बार दिखाया जाता है, हाँ वही सैवेज डॉग जिसका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड 2008 में फिर से टॉम एंड जेरी को एकदम मस्त वाला एनिमेशन डेवलपमेंट करके वार्नर ब्रोस द्वारा लॉन्च किया जाता है जिसकी एनिमेशन काफी डिसेंट होती है। वार्नर ब्रोस ने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इसकी एनिमेशन क्वालिटी को 2014 में भी इंप्रूव किया था जिसमें कंटेम्प्रेरी 2D स्टाइल का यूज किया जाता है जो कि काफी नीट एंड क्लीन एनिमेशन मानी जाती है। वैसे हमें 2021 में टॉम एंड जेरी की एक 3D मूवी भी देखने के लिए मिली थी बट उसको लोगों ने पसंद करना तो दूर उल्टा काफी क्रिटिसाइज किया था। तो ये थे हमारे कुछ फेवरेट कार्टून्स इनके एवोल्यूशन के बारे में हमने जाना। तो अब आप बताओ कि आपका फेवरेट कार्टून या एनिमे कौन सा था और जो अब भी है, और आगे भी हम कार्टून्स और एनिमेस के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो यार एंड ये दो वीडियोस भी चेकआउट कर लेना एंड ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।